Hey guys, तो अभी हम आपको लेके जा रहे हैं केबी ट्रेडर्स टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, और अभी हम जा रहे हैं करसोग सनादली वाले रास्ते से, ताकि आपको एक बेसिक सा आइडिया मिल जाए अगर आप केबी ट्रेडर्स आना चाहते हो तो आपको कहां से आना है। एंड इसके बाद हम आपको रामपुर किन्नौर वाले रोड से आकर भी दिखाएंगे कि अगर आप उस तरफ से आते हो तो आप किस तरह से केबी ट्रेडर्स तक पहुंच सकते हो। एंड यहां पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइल्स भी देख सकते हो, बहुत तरह के डिजाइन में ये टाइल्स को बनाते हैं। एंड गाइज, यहां के जो ओनर है वो है किशोर भारद्वाज जी, जो कि वेद भाई के बड़े भैया है, वही यहाँ का सारा कामकाज संभालते हैं। तो अगर आप भी इनके साथ कोई डील करना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो या फिर कोई काम करवाना चाहते हो, तो आपको भी किशोर भारद्वाज जी से कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि वही यहाँ के ओनर है एंड सारा काम वही संभालते हैं। सो उनका कांटेक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा। एंड इसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन में भी पूरा कांटेक्ट इन्फो एंड एड्रेस डाल देते हैं। सो गाइज, ये वीडियो एक बेसिक सा आइडिया देने के लिए बनाया गया है कि अगर आप भी केबी ट्रेडर्स में आकर इनके साथ डील करना चाहते हो तो आप किस तरह से यहाँ तक पहुँच सकते हो बिना किसी परेशानी के। लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड एड्रेस तो दिया ही है। एंड गाइज, अगर आप रामपुर साइड वाले रोड से आते हो तो आपको भंतल में एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिलेगा, वहाँ से थोड़ा आगे चलकर ही जहाँ पर एक ब्रिज है वहीं से ऊपर को जो रास्ता जाता है वो केबी ट्रेडर्स को जाता है। एंड गाइज, मेजरमेंट की बात करें तो ये है स्क्वायर टाइल, जो 1 square foot में एक ही टाइल लगती है। एंड ये है डंबल टाइल या फिर आई शेप टाइल, जो 1 square foot में 3 tiles लगती है। एंड इसी से मिलती जुलती है राउंड डंबल टाइल, ये भी 1 square foot में 3 tiles लगती है। एंड इस तरह से आपको यहाँ पर टाइल्स का मेजरमेंट समझा दिया जाता है। सो गाइज, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।